माननीयज्यूले पक्की भगवान को श्री चरण में नमन करते यो क्षेत्र में वहां जसरी जनता को मन जित्नु भएको छ भगवान ने वहां को मन पक्की अज सुंदर सफा बनाईदिश हमी सब को भित्र कल्याण को निमित्त वहां ने कहीं न कहीं अवश्य करूने एकचोटि जोरदार ताली बजाएर सम्मान करूँ हम माननीय जी हुनुहुन्छ गयानन्द मण्डल जी आएर अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहोला साथै आजको पहिलो सभा नायक कतिको छ साथी अध्यक्ष जी माननीय ज्यूले यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में आफ्नो तर्फबाट रु 11,111 रुपया प्रदान गर्नुभएको छ जोरदार ताली बजेर सम्मान जय हो जय हो एउटा सानो छोटो मिठो भजन भन्न चाहन्छु उहाँलाई किनभने प्रतिनिधि व्यक्तिहरु नाचेपछि भगवान पनि खुसी हुनुहुन्छ अरे है माननीय ज्यूले सानो भजन में यो अगाड़ी गए भगवान को भजन में हो हमी लजाऊन पर्दन क्योंकि यो भगवान को दिव्य धाम हो यहाँ को बुढ़ो को भर्खर को सर को कि कस्तो हमी कहीं जान्दैन होइन त्यो भन्दा अगाड़ी हम माननीय ज्यूला दुई शब्द राख्न दिऊ क्योंकि यो क्षेत्र वहाँ प्रदेश यहाँ जितेर जानु भएको छ वहाँ का वचन हमी सुन्नु छ थोड़े समय समयलाई मध्यनजर गर्नुहोला किनकि हाम्रो कथा धेरै छ आज त्यसैले गरेर थोरै समयमा छोटो समयमा मिठा वचनहरू राख्दिनु होला अनि त्यसपछि एउटा सानो छोटो मिठो भजन हामी श्रवण गरेर कथामा प्रवेश गर्छौं अनि अलिकति कथा सुनेर फेरि दानवीर दाताहरूलाई सम्मान गर्ने हुनेछ बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय श्यावर रामचंद्र की जय कृष्ण लला की जय आदरणीय भागवत सप्ताह पुराण के अमर पंडित कृष्ण प्रसाद कोरेला जी मंचासीन विभिन्न पंडित सब उपस्थित हमारा भक्ति में प्रेम रखे वाला इस सप्ताह ज्ञान के सरोवर में गोता लगावे वाला आदरणीय धर्म प्रेमी माता बहु देखियो हमें तो ना भाषण करे के लिए नहीं लिया हमारे पास होते ज्ञान नहीं छा कि हमें कुछ कहिए पहले सुनियो ये तो पंडित जी है नहीं थे बहुत बड़ा विद्वान वक्ता छे अगर पहने कुछ दी नहीं पहने विराट चौक में एगो ललित श्रेष्ठ पर कहते हैं वाचन करने और ये सबके सहयोग से चले छे रामायण में छे तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर दान दिए धन नाई घटे जो सहाय रघुवीर सत्संग नीत और ध्यान नीत रहिए ग्रत संलग्न हो विचार चोरी नशा हिंसा छोड़ तजना चाहिए एगो सत्संग के रूप छे गीता में भगवान श्री कहल गए कि हे अर्जुन तुम कर्म करो फल का आशा मत आदमी के कर्म करना चाहिए रामायण में लिखल छा कर्म प्रधान है विश्व बलि राखा जो जस करे तासु फल चाहे जहने कर्म करवे वहने फल मिलते आए अपन पांव कष्ट दे करके इतने आइए तब न सुनवा है जब द्रौपदी ये तो कहानी छे एगो महाभारत के कि युधिष्ठिर महाराज यज्ञ लगे ने
ओकरा में बहुत पंडित एने रहे सुपद भगत नहीं अले ओकर शर्त रहे घंट बजना भगवान श्री कृष्ण कहल के जब घंट बजेगा तब तुम्हारा जग सफल होगा घंट नहीं बजे युधिष्ठिर थोड़ा सा अभिमान कल गए कृष्ण के बोल गए कृष्ण के कहे जो भगवान घंट नहीं बाजा यहाँ तो एक से एक ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया कहा तुम सुपद भगत को बुलाए कहा कि नहीं जाओ उनको बुला के ले आओ जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्या नाम घंट नहीं बजेगा भीम जला 10,000 हाथी के बल रहे सुपद भगत स्नान करके ध्यान करते देख भीम अले कल भीम वो थोड़ा मोड़ा हमको दीवार में लगा हुआ ला कर दे दो और सुपद भगत ध्यान में बैठ आंख बंद कर ले भीम जब देख माला तस से मसना और लाज भ गल 10,000 हाथी के बल एगो माला का हमने तस मस कह सके तो हम संत के लाके जेबे रंग कर तब चल गए घूर के वो तब द्रौपदी आवे द्रौपदी जब अले है तो द्रौपदी के कहे कि ऐसा ऐसा जग युधिष्ठिर 100 करेगा तो हम नहीं जाएंगे तब द्रौपदी कहे संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान और जितना पद आगे बढ़े करोटी जग समान कल के बस द्रौपदी में चल दिया तुम ये बात जब बोली तो हम चले अले कहे के मतलब संत अले संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान जितना पद आगे बढ़े करोटी जग समान 100 करोड़ जग करवाए आज जो फल मिलते यहाँ का कहने है तो विराजमान जे पंडित जी वाचन कह रहा थे सत्संग के वाचन कह रहा थे गीता के वाचन कह रहा थे वेद के वाचन कह रहा थे अलिए फल पैब तजी ममता अभिमान तब है विचार चोरी हिंसा हिंसा झूठ तो जाना चाहिए इतना यदि करब तो फल पैब नहीं करब तो बड़ा मुश्किल तब है थोड़ा सा भी यदि भाग लिये जन्म सफल भ जाते जन्म जन्म सफल हो जाइए ये लेकर के हमारा सब प्रेम से आना चाहिए भक्ति करना चाहिए भक्ति विधि बिन से नहीं जो जाए ऊंच जो जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तुम संत का संत भक्ति बीज पलटे नहीं आई पड़े जो चोर कंचन जो बिष्टा पड़े घटे ताको बोल भक्ति के बीज कभी विनाश नहीं यदि आप पंडित जी के शरण में लिए कृष्ण के शरण में लिए महादेव जी के शरण में लिए महादेव के कहानी सुनवा पंडित जी सबसे और सब आदमी के चाहिए कि इतना जल चढ़ावे के भक्ति करे के आज विराटनगर में जाओ राम जानकी मंदिर महावीर मंदिर सत्यनारायण मंदिर हनुमान मंदिर छतः महिला सब सवेरे स्नान पाती कह के दर्शन करे फूल चढ़ावे ओकर नाम छे भक्ति एत अभी सुन लिया हम पहने बहुत मंदिर छे तू सिमरन कर ले रे मना तेरे बीत उम्र गुरु नाम बिना पंछी पंख बिनु हस्ती दंत बिनु नारी पुरुष बिना रे विश्वा का पुत्र पिता बिनु हिना तैसे बरानी गुरु नाम बिना रे कूप नीर बिनु धेनु छीर बिनु मंदिर दीप बिना रे यदि मंदिर में सुबह शाम दीप नहीं बोले भोला बाबा के लोटा जल नहीं चढ़ावे कतेक लगानी कल गई है नगर पालिका तो मंदिर कोई काम कर हर के अधिकार से पंडित पंडित के छी ये कर्म करवे ऊंचे पंडित ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण है ब्राह्मण बने को मतलब ज्ञानी बने कोशिश करूं एक हम सब दिन पूजा करूं कोई पुजारी की आवश्यकता नहीं सब आदमी पुजारी बनू जल चढ़ाबू सुबह शाम धूप आरती करूं यह कहे हमारा द्विशत बोले के लिए मौका दल के आय जग समय के धन्यवाद है जी और हमारे पंडित जी आचार्य बहुत ज्ञानी आदमी से ओकरा से सुनू श्रवण करूँ और ये कोई एना हृदय में रखू कि भक्ति कौन चीज है यदि भक्ति करिए कभी भी इधर जोनी में जन्म नहीं लेता है फिर मनुष्य के मनुष्य शरीर मिलता है फिर भक्ति करवे 550 बार जन्म लिए
बाद तब भगवान बुद्ध जी से मोक्ष के प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूटले। आवागमन सम चक्र दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय, कृष्ण भगवान की जय, पंडित जी की जय। जय बोल पंचेश्वर शिवा महादेव।